नमस्कार दर्शक बंधु मुझ वृंदावन स्वागत करुच्छे आपको ओडिशा जॉब इनफॉर्मेशन यूट्यूब चैनल को। तो फ्रेंड्स आर्मी राली रिक्रूटमेंट आशार पिला सब जिलार पिला आर्मी राली तरफ नोटिफिकेशन टी आकी आपणकर कटक संबलपुर गोपालपुर एआरओ नोटिफिकेशन टी आसी जो थे कि ओडिशार समस्त जिलार पाने आवेदन करेंगे। संपूर्ण तथ्य मुझे जनइबी केमती भाव में आपड़ यही रालीय जोगदेवे आप सिलेक्शन प्रोसीजर कौन कौन रोक कौन कौन सब डॉक्यूमेंट्स धरिकी जा पड़ो संपूर्ण तथ्य भिडियो में जन बस आपण भिड को शेष पर्यटन देखु भाव में आर्मी राली में जोग दिंतु तापूर्व आपही रखुच्छे जब बर्तमान पर्यटन आपशा जब इनफर्मेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना तो निश्चित भाव में सब्सक्राइब करनी फल लाटेस्ट लाटेस्ट अपडेट चैनल मध्यम पारे सहित निश्चित भाव में सेयार करके समस्त को जनईदे। तो फ्रेंड्स आउ थ रखुच्छी रिक्रुटमेंट आसूसी जयन इंडियान आर्मी तरफ जहाँकि पदवी काटागोरी कथ जब कह सेफियो फार्मा रिक्रुटमेंट आसी अनलाइन मध्यम प्रथम आवेदन करवाक पड़ो आपर आवेदन आरंभ होची 23/9/2019 आवेदन शेष तारीख रहा 6/11/2019 सहित आपमिट कार्ड इश्यू हम जहाँकि आपको आडमिट कार्ड धरिकी जा पड़ो आर्मी राली को। तो आडमिट कार्ड आपंकर इश्यू हम November 7-13 भितर आपंकर आडमिट कार्ड इश्यू हम एवं आपंकर राली तारीख रहा 2 December आउ थे कह रखुच्छे आपंकर आर्मी पर राली डेट रोचे जहाँकि आर्मी राली डेट 2 December 2019 आपंकर आड्रेस कौटी एड्रेस आप देखिपे जहाँकि रही के टीपीएस रिक्रिएशन क्लब ग्राउंड कोलघाट डिस्ट्रिक्ट पूर्व मेदिनीपुर वेस्ट बेंगल। तो यही आड्रेस आपको पहुँचिक आपको आर्मी राली में जोग देवाक पड़ो। देखो हु क्यान आप्लाय ओडिशार पाने आवेदन करेंगे। देखो ये जो तीनोट रही आपंकर संबलपुर एआरओ कथा कह गोपालपुर एआरओ एवं कटक एआरओ जो नोटिफिकेशन आसी देखो संबलपुर एआरओ में आवेदन करेंगे। देखो संबलपुर एआरओ में अनुगुल बलांगीर बरगढ़ ढेंकाना देवगढ़ झारसुगुड़ा केउंझर संबलपुर सुवर्णपुर सुंदरगढ़ तो यही डिस्ट्रिक्टर पिलाने संबलपुर एआरओ आवेदन करेंगे। तो अलग जिलार पिलाने संबलपुर एआरओ आवेदन करेंगे ना एवं गोपालपुर एआरओ गंजाम गजपति कंधमाल बौद्ध मलकानगिरी नवरंगपुर रायगढ़ कलाहांडी नुआपड़ा कोरापुट यही जिलार पिलाने गोपालपुर एआरओ आवेदन करेंगे। कटक एआरओ पुरी भद्रक कटक खोर्धा बालेश्वर मयूरभंज जाजपुर जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा नयगढ़ यही जिलार पिलाने आवेदन करेंगे। टोटल 30 जाक जिला कवर करसत यह केवल मेल कैंडिडेट्स ही आवेदन करेंगे फिमेल कैंडिडेट्स यहाँ आवेदन करें सहित क्वालिफिकेशन एज लिमिट कथ कह देखो 19-25 एज लिमिट रोच 1/10/2019 सुधा और क्वालिफिकेशन कथ कह आपको प्लस टू साइंस पास कर दरकार निहत फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लीश ये सब सब्जेक्ट थी दरकार सहित आपको डी फार्म क्वालिफाई कर दरकार जहाँकि 55% एग्रीगेट मार्क रखी दरकार किंवा आपण जदि बी फार्म करचंती एवं 50% एग्रीगेट मार्क रखिचंती ताले मध्ये आपण आवेदन करि परिबे। सिलेक्शन प्रोसीजर कथा जे कहबा देखंत आपणकर फिजिकली मेजरमेंट टेस्ट हबो फिजिकली फिटनेस टेस्ट हबो मेडिकल टेस्ट हबो देन रिटेन टेस्ट हबो। तो एमिति भाबरे 4टी पर्जर आपणको सिलेक्शन करा जिवो। प्रथमे देखबा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट रे आपणकर हाइट रहउची जाकि 169 सेमी रहउची एसटी कैंडिडेट्स मानक पई 162 रहउची देन वेट रहउची वेट 50 केजी रहउची ता सद 48 केजी एसटी कैंडिडेट्स मानक पई रहउची चेस्ट सेमती 77 सेमी 82 cm रोचे देन आपर फिजिकाली फिटनेस टेस्ट में रोचे 1.6 किलोमीटर रनिंग करा पड़ो। आपन जदि 5 मिनट 30 सेकेंड भितर क्वाफाई करुँच आपको 60 मार्क मिल 5 मिनट 45 सेकेंड भितर जब क्वाफाई कर 48 मार्क आपको मिले जदि आप टाइम भितर क्वाफाए कर पार्टी आपड़ डिस्क्वाफाए हो जाए। देन पुलअप्स रोचे आपड़ जब 10 पुलअप मार्च 40 मार्क पाए 9 मार्चे 33 मार्क पाए 8 मारे 27 मार्क पाए 7 पुलअप्स मारे आपको 21 मार्क मिले जदि 6 मार्चे आपको 16 मार्क मिले सहित आपको 9 feet डिच गोटे रही है यहाँ क्वाफाई कराया पड़ो जिगजाग बालान्स रही आपको निहत भाव में क्वाफाई कराया पड़ो। तापर आप जो आर्मी राली पाई कौन कौन डॉक्यूमेंट्स धरिकी जी डॉक्यूमेंट्स मोस्ट इंपोर्टेंट रही है सहित आपजिनाल डॉक्यूमेंट्स धरिकी जाक पड़ो सहित सब जो डॉक्यूमेंट्स रही आपको 2 सेट नाक पड़ो और ओरिजिनाल डॉक्यूमेंट्स नाक पड़ो। देखो प्रथम रही आडमिट कार्ड तो आपको कहली अनलाइन आवेदन पर आपर आडमिट कार्ड जो उपलब्ध रही तो आडमिट कार्ड को आपको डाउनलोड करा पड़ो से आडमिट कार्ड धरिकी जाक पड़ो। तापर फोटोग्राफ आपर फोटो आपर 20 पीस दरकार रिसेंटर फोटो आपको पड़ो पुराणा फोटो देवे ना रिसेंटर 20 फोटो आपर दरकार। तापर एजुकेशनल सर्टिफिकेट आपर बी फार्म डी फार्म साइंस जो करते जहाँ भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट अच्छी सब सर्टिफिकेट धरिकी जाक पड़ो। देन आपर जहाँकि रेसीडेंट सर्टिफिकेट रोचे कास्ट सर्टिफिकेट रोचे सब डॉक्यूमेंट्स देवाक पड़ो। देन आपर स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट
ଏଇଟା ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ ଆଟେଣ୍ଡ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ପଢ଼ୁଥିଲେ ସେଇଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ ଠାରୁ ବା ଯିଏ ବି ହେଉ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ସ୍କୁଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ରହିଛି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଠାରୁ ଆଣିପାରିବେ କିମ୍ବା ଆପଣ ପାଖ ମେଡ଼ିକାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଯାଇକି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଣିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଅନମ୍ୟାରେଡ଼ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ତାପରେ ଯଦି NCC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି NCC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେବେ, ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯଦି ଅଛି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବେ। ତାପରେ ଆଫିଡେଭିଟ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ରହିଛି, ଆପଣ ଗୋଟେ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଫର୍ମ ଆଣିବେ ତ ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଲେଖିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହାକି ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟରେ ରହିଛି, ତ ଆପଣ ଦେଖିନେବେ ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ, ସିଙ୍ଗିଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ, ପାନ୍ କାର୍ଡ଼, ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଏସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ରହିଛି, ଏସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍କୁ ଧରିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେତେଟି ଅଫିସିଆଲି ୱେବସାଇଟ୍ର ସବୁ ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି, ଏଠି ଏଆର୍ର ଗୋପାଳପୁରର PDF ରହିଛି, କଟକର ରହିଛି, ସମ୍ବଲପୁରର ରହିଛି। ତା ସହିତ ଏଠି ଆପ୍ଲାଏ ଅନଲାଇନ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲିଙ୍କ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଅଫିସିଆଲି ୱେବସାଇଟ୍କୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଯାହାକି ଜଏନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମି ତରଫରୁ ଯେଉଁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆସିଛି। ଆଶା କରୁଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିଥିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ଜବ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଫଳରେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ପାଇପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ବ୍ରେକ୍ ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।